Good morning, friends. In the last video, we have learned the financial markets meaning, functions, and first type, that is money market. We have learned the instruments of money market. Now, today we are going to learn the second type of financial market, that is capital market. कैपिटल मार्केट के थ्रू भी सेवर्स अपना सरप्लस फंड्स बिजनेस एंटरप्राइजेस को मोबिलाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्टिव यूज हो सके और बदले में इन सेवर्स को कुछ रिटर्न मिले. सो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. कैपिटल मार्केट उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है जो मिलकर इस कैपिटल मार्केट को चलाती हैं, या तो सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करते हैं या फिर परचेज करते हैं. इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, यह इंस्ट्रूमेंट्स मीडियम या लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, जबकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. उससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट पीरियड के लिए मनी अरेंज करती है, लेकिन कैपिटल मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस मीडियम या लॉन्ग पीरियड के लिए मनी रेज कर सकती है और अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकती है. कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज. कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट बैंक काम करती है, कमर्शियल बैंक्स, यह डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक या तो सिक्योरिटीज इश्यू करती है या फिर दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज परचेज भी कर सकती है. इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, जैसे इंडिया के सबसे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इस कैपिटल मार्केट को स्मूथली चलाते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव सीन. नाउ पार्टिसिपेंट्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. अब इस कैपिटल मार्केट में कौन मनी इन्वेस्ट कर सकता है? सो वी पीपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर सकती है. इसके साथ ही फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. इन्वेस्टमेंट आउटले, यूनिट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज लेस देन रुपीज 10 रुपीज 100, यानी फेस वैल्यू इन सिक्योरिटीज की बहुत कम होती है, जैसे 10 रुपीज 100 रुपीज पर शेयर पर डिबेंचर. मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑफ 5, 50 एंड सो ऑन, यानी इसमें आप स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय परचेसिंग 5 शेयर्स ओनली, 50 डिबेंचर्स ओनली. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सेविंग्स ओनली, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. लिक्विडिटी, लेस लिक्विड एज कंपेयर टू मनी मार्केट. मनी मार्केट में हमने यह पढ़ा कि यह इंस्ट्रूमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि वह शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मीडियम और लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं. सो यह मनी मार्केट के कंपैरिजन में लेस लिक्विड होते हैं. सेफ्टी, रिस्की विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन इक्विटी शेयर्स. 11th स्टैंडर्ड्स में हमने इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स पढ़े, मेरिट्स और लिमिटेशंस भी पढ़े. उसमें आपने यह पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को यदि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तभी डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज वेरी रिस्की विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर्स. देन प्रिंसिपल रीपेमेंट, जब कंपनी लिक्विडेट होगी और कुछ एसेट्स बचेंगे तब सबसे एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होगा. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिस्की विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट. एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाई रेगुलर डिविडेंड इंटरेस्ट कैपिटल गेन. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट का रिटर्न ज्यादा होता है. हाँ, रेगुलर डिविडेंड, जैसे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, सो दे गेट रेगुलर डिविडेंड. इसके साथ ही यदि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना चाहती है तो वह रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली.
कैपिटल गेन, यदि आपके इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और आप उसे मार्केट में सेल करते हैं तो जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल गेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। नाउ वी लर्न कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, द फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। Now first we try to understand primary market. Primary market refers to the market wherein securities are sold for the first time. It is also known as new issue market. जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट फर्स्ट टाइम इश्यू करती है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। इसमें फंड्स डायरेक्टली सेवर से कंपनी के पास जाते हैं। द इन्वेस्टर्स आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल्स। इसका मतलब इस प्राइमरी मार्केट में कौन इन सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है, तो सभी परचेज कर सकते हैं, चाहे वह बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो। द कंपनी सेल सिक्योरिटीज इधर डायरेक्टली टू इन्वेस्टर और थ्रू द इंटरमीडियरी। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज चाहे तो डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल कर सकते हैं या फिर किसी इंटरमीडियरी यानी ब्रोकर के थ्रू भी इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर सकते हैं। सिर्फ बाइंग यह ट्रांजेक्शन ही प्राइमरी मार्केट में पॉसिबल है। सेलिंग का ट्रांजेक्शन यानी यह इन्वेस्टर फिर से यह सिक्योरिटीज कंपनी को सेल नहीं कर सकता। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपनी मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज का प्राइस क्या होगा यह कंपनी का मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। यह फंड्स डायरेक्टली सेवर से कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी इससे अपना कैपिटल फॉर्मेशन कर सकती है, जैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है, मर्जर कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से बढ़ा सकती है। नाउ वी स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। देर आर वेरियस मैथड्स टू इशू न्यू सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। द फर्स्ट मैथड इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अंडर दिस मैथड कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर इट्स सिक्योरिटी थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस मैथड में कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है ताकि वे इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस यह इन्वेस्टर को एक डायरेक्ट अपील होता है कि वे इस कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटीज परचेज करें। इसके लिए कंपनी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में अपनी एडवर्टीजमेंट भी देती है। अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर सर्विसेज आर यूज्ड। अंडरराइटर्स भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कंपनी का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। यदि नहीं हुआ तो इश्यू कैंसिल हो जाता है, कंपनी को हैवी लॉस होता है। इस लॉस से बचने के लिए कंपनी अपने अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। इसका मतलब यदि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो ये अंडरराइटर्स अपने अंडरटेकिंग प्रॉमिस के हिसाब से कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और इश्यू को कैंसिल होने से बचाते हैं। इसी तरह कंपनी ब्रोकर्स अपॉइंट करती है या इंटरमीडियरी होते हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टर्स कंपनी की सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इश्यू इज रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी लॉ गाइडलाइंस के हिसाब से इशू कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपने कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं और आपने अपने इन शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है। इसका मतलब अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स की ट्रेडिंग पॉसिबल है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। इससे इन्वेस्टर्स को कन्वीनियंस रहेगा।
Content of prospectus should be in accordance with Companies Act, SEBI Disclosure and Investor Protection Guidelines. यह जो प्रॉस्पेक्टस आप पब्लिश करते हैं वो कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पब्लिश होनी चाहिए. सेबी डिस्क्लोजर, कंपनी सेबी के हिसाब से सभी प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रॉस्पेक्टस में डिस्क्लोज होने चाहिए. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, यानी इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी इन फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा. सो इन्वेस्टर कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय और नॉट, सो देयर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड. द सेकेंड मैथड इज ऑफर फॉर सेल. अंडर दिस मैथड सिक्योरिटीज आर फर्स्ट इशू टू इंटरमीडियरीज लाइक इशू हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस. इसका मतलब इस मैथड में कंपनी डायरेक्ट पब्लिक इशू करने की जगह सिक्योरिटीज इशूइंग हाउसेस को या फिर स्टॉक ब्रोकर्स को इशू कर देती है. इंटरमीडियरीज रीसेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक एट हायर प्राइजेस. अब यह स्टॉक ब्रोकर्स और इशूइंग हाउसेस यह सिक्योरिटीज पब्लिक को हाई प्राइजेस पर रीसेल करते हैं. सेव कॉम्प्लेक्सिटीज एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज टू पब्लिक. इससे कंपनी का बहुत टाइम, एफर्ट्स, मनी सेव होते हैं. उन्हें पब्लिक इशू के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, टाइम लगता है, वह सब सेव हो जाता है. नाउ द थर्ड मैथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट. अंडर दिस मैथड कंपनी सेल द सिक्योरिटीज टू सम सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. यानी इस मैथड में कंपनी अपनी सिक्योरिटीज किसी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सेल कर देती है, या फिर इंडिविजुअल्स जो बहुत ज़्यादा स्टॉक परचेज करना चाहते हैं उन्हें अपनी पूरी सिक्योरिटीज या मेजर पोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज सेल कर देती हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल मैथड बिकॉज इट सेव्स द मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक इशू. इसके साथ ही जिन कंपनीज की फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है या वह अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं वे भी पब्लिक इशू की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट प्रिफर करते हैं. नाउ द फोर्थ मैथड इज राइट इशू. अंडर दिस मैथड कंपनी ऑफर्स द न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम. राइट इशू में कंपनी जब भी नए शेयर्स इशू करती है तो पहला राइट, पहला अधिकार उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है. मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी का राइट इशू के टर्म्स एंड कंडीशंस है 2:1, तो आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 50 शेयर्स परचेज कर पाएंगे. सो राइट इशू इज गिवन इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. If the existing shareholder do not subscribe securities during the prescribed time, then the offer is open for the general public. लेकिन यदि existing shareholder अपना right use करते हुए company के shares फिर से purchase नहीं करता तो यह offer general public के लिए open हो जाता है. इसी तरह existing shareholder अपना right किसी और को भी transfer कर सकता है, sell कर सकता है. राइट इशू इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. दिस मैथड कैन बी यूज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज ओनली, क्योंकि न्यू कंपनी के पास पहले से शेयर होल्डर्स नहीं है. सो न्यू कंपनी कांट यूज द राइट इशू मैथड ऑफ फ्लोटेशन. नाउ द लास्ट मैथड इज EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. Under this method, company issues capital to public through online system of stock exchange. इस method में company stock exchange के online trading system को use करके अपनी security share capital issue करती है. Company enters into agreement with stock exchange, appoints SEBI registered brokers to accept application and place orders with company. इस method में company सबसे पहले stock exchange के साथ agreement करती है, फिर सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है जो कंपनी के बिहाफ पर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करे और कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करे. रजिस्ट्रार हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद स्टॉक एक्सचेंज इज अपॉइंटेड. कंपनी उस रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हो.
listing of securities with a stock exchange where securities are not listed earlier. कंपनी के शेयर्स की फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग पॉसिबल करने के लिए इन शेयर्स को लिस्ट करवाना होता है. तो कंपनी अपने ई आईपीओ के थ्रू जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है, सबसे पहले उसकी लिस्टिंग उस स्टॉक एक्सचेंज के पास करेगी जहां पर कंपनी के पहले से शेयर्स लिस्ट ना हो. लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट्स विद अदर इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू. कंपनी एक लीड मैनेजर अपॉइंट करती है जो पूरा इशू हैंडल करता है और जितने भी इशू से रिलेटेड पर्सन होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, अंडरराइटर, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मैथड्स ऑफ क्वोटेशन अंडर प्राइमरी मार्केट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.